हल्द्वानी में क्या हुआ? क्यों भड़क गई हिंसा? कैसे धधका हल्द्वानी? 24 घंटों में क्या क्या हुआ? 8 फरवरी 2024 दोपहर 3 बजे तक हल्द्वानी शांत जीवन जी रहा था, लेकिन अब उत्तराखंड का हल्द्वानी हिंसा की आग में जल उठा है। नैनीताल जिले में हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में उस वक्त हिंसा की चिंगारी भड़क उठी जब नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा था। हिंसा की आग इतनी भयावह थी कि पूरा शहर जल उठा। हालात ये है कि हल्द्वानी में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी हो चुका है। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं 8 फरवरी दोपहर 3 बजे से लेकर अब तक हल्द्वानी में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले हुआ अवैध मदरसा और मस्जिद पर जेसीबी एक्शन। 8 फरवरी की दोपहर नगर निगम हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण को ध्वस्त करने पहुंचा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जैसे ही नगर निगम के बुलडोजर ने इंदिरा नगर क्षेत्र में मलिक के बगीचे में बने अवैध रूप से निर्मित मदरसा और मस्जिद को जमींदोज किया, स्थानीय लोग भड़क उठे। बड़ी संख्या में महिलाओं सहित गुस्साए स्थानीय लोग नगर निगम की कार्रवाई का विरोध करने लगे और देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। बताया जा रहा है कि भीड़ ने पुलिस कर्मियों, नगर निगम कर्मियों और पत्रकारों पर पथराव किया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब तक 6 लोगों की मौत, घायलों में सबसे ज्यादा पुलिस वाले। इसके बाद पूरा इलाका तनावपूर्ण हो गया। इस हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, घायलों में सबसे ज्यादा पुलिस वाले हैं। हल्द्वानी में बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया है। हल्द्वानी की सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। पूरे शहर में कर्फ्यू है और कक्षा 1 से लेकर 12 तक की सभी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने इलाके में भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया है। एक तरह से पूरा शहर लॉकडाउन में तब्दील है। अनिवार्य सेवाओं के अलावा किसी तरह की छूट नहीं है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। अब सवाल उठता है कि जिस मदरसे और मस्जिद को नगर निगम ने जेसीबी मशीन से ध्वस्त किया, वो वैध थी या अवैध? आखिर इस बुलडोजर एक्शन से पहले हाई कोर्ट ने क्या कहा था? प्रशासन ने सील कर रखा था मस्जिद, मदरसा मस्जिद अवैध थी। दरअसल जिस मस्जिद पर बुलडोजर चला वो ना केवल अवैध थी बल्कि उसे प्रशासन ने पहले ही सील कर रखा था। इस बात की पुष्टि नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने की है। उनकी माने तो ध्वस्त किया गया मदरसा और मस्जिद पूरी तरह से अवैध थी। नगर आयुक्त के मुताबिक इस मस्जिद और मदरसे के पास स्थित 3 एकड़ जमीन पर नगर निगम ने पूर्व में कब्जा ले लिया था और मदरसे और नमाज स्थल यानी कि मस्जिद को सील कर दिया था। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत उसे गुरुवार को ध्वस्त किया गया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा स्थित इस मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन से पहले हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया था। उत्तराखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को बनभूलपुरा में मस्जिद और मदरसे को ढहाए जाने से रोकने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी। मलिक कॉलोनी निवासी साफिया मलिक और कई लोगों ने ये याचिका दायर की थी। दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने हल्द्वानी नगर निगम द्वारा दिए गए नोटिस को चुनौती दी थी, मगर मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की अवकाशकालीन पीठ द्वारा कोई राहत नहीं दी गई। जब हाई कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को कोई राहत नहीं दी, इसके बाद मस्जिद मदरसे पर नगर निगम की ओर से विध्वंस की कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि इसी याचिका पर अब अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। हल्द्वानी हिंसा के इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।